Hey guys, welcome to my channel Viral Edits. Today we are going to make another stylish gradient brush tool. For this purpose, I will use two apps, PixelApp and PS Touch. So guys, इस purpose के लिए आपने PixelApp को open करना है और यहाँ से जो name है आपने replace कर लेना है. Name को choose कर लेने के बाद आप A से A B font style में जाएंगे. यहाँ से आप अपनी पसंद का जो है फ़ोन चूज़ करेंगे. इस पर्पज़ के लिए मैंने जो फ़ोन चूज़ किया उसका नेम है रेडी लवर. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फ़ोन को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके साइज़ को इनलार्ज कर लेना है. ड्रैग करके इनलार्ज कर लेने के बाद आपने जस्ट इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट बना लेना है और इसको अल्ट्रा क्वालिटी के अंदर आपने सेव कर लेना है. उसके बाद आपने PSCC को ओपन कर लेना है. PSCC को ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ से गैलरी से फ़ोटो ऐड करनी है. फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद से आपने यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ करना है जिसको आपने PixelApp में सेव किया था. सो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने इसकी 3 लेयर्स जो हैं कॉपी कर लेनी है. लेयर को कॉपी करने के बाद आपने फर्स्ट लेयर में जाकर यहाँ से ब्लैक कलर जो है वो ड्रॉप करना है. आप वो FX में जाके भी कर सकते हैं. इसको आपने स्क्रीन पे रखना है. सेकंड लेयर में जाके आपने FX से शेडो ड्रा करना है और शेडो के लिए आप जो है डिस्टेंस और ब्लर जो है 6:6 चूज कर सकते हैं और एंगल को आपने 135 के राउंड अबाउट रखना है. एंगल को सिलेक्ट करने के बाद इस लेयर को आप मल्टीप्लाई पे रखेंगे और थर्ड लेयर में जाएंगे. थर्ड लेयर में जाके आपने बेवल ऐड करना है और उसका कलर जो है आप ब्लैक चूज करेंगे और यहाँ से एंगल जो है उसका भी आप चेंज कर सकते हैं. इस लेयर को आपने ओवरले कर लेना है और फिर अगेन से आप फर्स्ट लेयर में जाएंगे और यहाँ से आपने FX से ग्लो को ऐड करना है. ग्लो का कलर जो है वाइट रखेंगे और इसकी जो ब्लर की कैपेसिटी है वो आपने थोड़ी रखनी है, 0.2 तक रख देते हैं. इस लेयर को फिर आप कॉपी कर लेंगे 3 टाइम कर लेंगे. एक पहले हमारे पास लेयर है बड़ी. तो नेक्स्ट जो है आपने इसी लेयर में रह के जो मैजिक टूल को यूज़ करना है और इसको इनलार्ज कर लेना है. थोड़ा सा जूम आउट कर लेने के बाद आप देखें ये सर्कल जो हैं हमारे पास सिलेक्ट हो रहे हैं. तो इनको वन बाय वन आपने कलर फिल करना. आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं. तो मैं एक दो आपको करके दिखा रहा हूँ. तो नेक्स्ट जो है आप यही प्रोसेस जो है जो कि रिपीट करेंगे फास्टली. ठीक है, इस तरह से जो लाइन है लाइन को आपने थोड़ा सा माइन्यूटली जो है वो टच देना है उसको. अगर ये ना चूज हो रही हो तो आप इसका साइज जो है थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे तो फिर इजीली जो है इसको चूज कर पाएंगे. ठीक है, मैंने एक फोन जो है आपके लिए चूज कर दी है. तो इसी तरह से आपने हर हर लेटर के अंदर जो है ये करते जाना. इस सब को आप सिलेक्ट कर लेने के बाद जूम इन करेंगे. जूम इन करने के बाद आपने अगेन से जो है फर्स्ट लेयर में जाना है और यहाँ से जाके आपने सिलेक्ट पिक्सल करना है. सारे पिक्सल को सिलेक्ट कर लेने के बाद से आप
यहाँ से क्लियर कर देंगे। देखिए क्लियर कर देंगे तो आपके पास जो है ये बैकग्राउंड जो नॉइज़ है जो भी हमने ऐड किया था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसको अगेन अगर चाहें तो फैसले में जाके जो है वो एफएक्स से ग्रो मज़ीद ऐड कर सकते हैं और इस लेयर को हम जो है ब्लर कर लेते हैं। तो पिक्चर को ब्लर करेंगे, यहाँ से सीन ब्लर हो जाएगा।